सीढ़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सीढ़ी कहाँ है। बोल कहाँ रखी है? बंदे क्यों मार रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम। बोल। मैं ये देख रहा पानी? साले अंदर फेंकवा दूंगा, इतने मगरमच्छ हैं, बोटी बोटी खा जाएंगे तेरी। मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मालूम सीढ़ी कहाँ है। नहीं मालूम? नहीं मालूम सीढ़ी। ए शर्मा, इधर बोलवा साले से, उधर दे चल। मच्छरों को मारने की आदत नहीं हमारी, हमेशा शेरों का शिकार किया है। हमारी आदत ना खराब कर, बता दे सीढ़ी कहाँ है? मैंने नहीं मालूम, सीढ़ी नहीं है हमारे पास। नहीं मालूम? नहीं, नहीं। तो किसको मालूम? अनोखी देवी के पास। अनोखी देवी के पास? हाँ। छोटे जी भाई साहब, पहुंचा दे इसे अनोखी देवी के पास। चल चल जा, चल आराम से। थारे को सीट चाहिए? आओ हमारे साथ। चल आ जा, चल चल। अरे रोक लो भैया, रोक लो, रोक लो भैया, बहुत तेज आ रही है। अरे कौन आ रही है? अरे बड़ी तेज आ रही है, नहीं तो गाड़ी में ही हो जाएगी। मुतेगा तू? हाँ। क्या कर क्या? चल उतर, जा मुत ले वहां। हाँ जल्दी आना रे। भाई जी वो भाग जो। हे बनाराम, बनाराम, ओ बनाराम रुक, बनाराम रुक। भाग गया। नमस्कार जी। नमस्कार। बनाराम का घर यही है? जी हाँ यही है। है बनाराम घर पे? जी नहीं है, पिछले कई दिनों से भैया घर पर नहीं आए। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ पैसे उधार लिए थे, उनसे वापस करने थे। कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगा। जी जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी अंदर देख कर आती हूँ। जी भाई, भाई काय हुई हो रानू? तने कोई बारे पीछा दे उड़ायो है? थारे को कितनी बार बोला कोई भी मारे बारे में पूछे तो बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। पर भाई वो पीछा को के? अरे और... पैसा के भाड़ में तू बोल दे मैं पीछे के दरवाजे चला गया। तू अरे भाई सुन तो। घड़ी खम्मा भाग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ भाग रहा था हुकम, आप यहाँ लेने आया हूँ आपको। आप इतने बड़े अफसर फोन कर देते, मैं खुद ही चला आता, आपको यहाँ आने क्या जरूरत थी? अच्छा खुद ही चले आते हैं? हुकम अनोखी को कहाँ छुपाया है? जिंदा है या मार दिया? क्या कह रहे हैं हुकम? वही कह रहा हूँ जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, कहाँ छुपाया अनोखी को? हुकम अनोखी देवी को ढूंढ ढूंढ के मारो हाल बेहाल हो गए, मैं उसकी याद में रो रो के मारी आंखों की रोशनी चली गई, मन ने आधा सीसी हो गई। हुकम आप हमारी अनोखी देवी को ढूंढ के निकालो, वरना यही सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। जान तुम अपनी खुद लोगे या हम लेंगे इसका फैसला हम बाद में करेंगे। ये तुम्हारा ही दिमाग था जिसने गाँव की गलियों में और बाजारों में नाचने वाली अनोखी को पावर के कॉरिडोर में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसके गायब होते ही राजधानी से लेकर हल्दी घाटी तक एक हाहाकार मच गई। इसलिए तुम्हें जो पता है वो सच बता दो, वरना सच छुपाने के जुर्म में मुझे तुम पर एक सरकारी गोली खर्च करनी पड़ेगी। तुम्हें से लास्ट टाइम किसने मारा था? चल तू मार दे। चलो मार दो इसको। मार दो सा, हुकुम मारा तो सारा झंझट ही खत्म कर दो। इधर जाता हूँ तो पूछते हैं अनोखी देवी कहाँ है, उधर जाता हूँ तो पूछते हैं अनोखी देवी कहाँ है। इधर मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, अनोखी देवी अनोखी देवी, पूरी जिंदगी हमारी नरक बन गई है। मालूम नहीं ना अनोखी देवी कहाँ है? नहीं मालूम है साहब जी। तो जितना मालूम है उतना सर को बता दे। चुप हो, चल आ जा भाई, आ जा। चल बता दे सर। हुकुम अनोखी देवी को मैं घड़ी कम घड़ी कमा हुकुम बनाराम आओ, बनाराम जी हुकुम आओ। अच्छा अरे उधर बैठो इधर। अरे नहीं ठीक है, अरे उधर नहीं इधर बैठो गद्दे पे। हुकुम दरबार। अच्छा तो आप हैं अनोखी देवी के अंगरक्षक? हुकुम भाई क्या नगीना तराशा है तुमने, अरे हमारी अंगूठी में जड़वा दो तेरा जीवन संवार देंगे। हंस कर रहा है? आदत, ये किसी के चौथे पे जाए ना तो ये हंसते हुए रोए। कम गड़ी कम साहब ने कल कार्यक्रम देखा,
जानते हो साहब? जी जी हाँ, कल ही तो मिले थे प्रोग्राम में। दीनानाथ जी जैसे लोग, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के एकमात्र नेता, जी जी, इतने प्रभावित हैं अनोखी देवी की कला से, तो जवान छोरों की क्या हालत होती होगी? अरे हजूर, हर रोज एक जवान छोरा बेहोश होके अस्पताल जावे है मैडम की खातिर। सही कह रहा है, मर जाओगे। अरे तो जीना किसको है, मरना तो है, खा पी के मरो। हुकम। अनोखी देवी को लिया जी। हुकम। आ जाएगी? आ जाएगी। कल एमएलए बनेगी, परसों मिनिस्टर बनेगी, और सेक्रेटरी रहेगा तू। अरे बगैर लगाम की घोड़ी है, किसी के काबू में ना आने वाली सर जी। अरे तो हमने भी देसी घी खाया है, पूरे शरीर में समा गया है। अरे घड़ी खम्मा हुजूर, मैं जाऊं। अरे सुनो भाई सेक्रेटरी जी। हुकुम। इसको डब्बा दे दो मिठाई का। छोटा या बड़ा हुकुम? अभी छोटा दे। देर। देर। फिर बाद में बड़ा। और परसों और बड़ा। अनोखी देवी पे बहुत फिदा हो गए हैं सर जी। लाएगा ना? पकड़ लिया। क्यों बकवास करा है, मैं कोनी मिलूं? थारे ठुमको से तो बाबड़ो हो गए दीनानाथ जी। फ्यूज बल्ब में रोशनी डाल दी तन्ने। अच्छो भड़ो नेता मजड़ू बन के घूम रहे है। अगर राजनीति में एंट्री करनी है तो आप पहली सीट। इसे पकड़ के तू इतनी बुलंदी तक पहुंच सकती है, वहां पहुंच के दुनिया की सारी चीजें तन्ने छोटी छोटी लागे। ये बड़ी गाड़ी, पूरे पब्लिक लोग, बड़े बड़े लोग थारे देखने के लिए जो सर उठे, तो माथे की बड़ी बड़ी इज्जत वाली पगड़ियां थारे कदमों पर गिर जाए। क्या बोलती है? अरे राम राम, राम राम। अरे आइए शर्मा जी, क्या हाल है? बस मैडम से मिले? पहला को मैडम। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, राजनीति में ऐसा ही होता है, वहाँ बे बजाय किसी न किसी के कोई न कोई पैर पड़ता ही रहता है, और ये देख देख के इनको भी आदत हो गई है। आदत क्या, खून में ही घुल गई है। आप तो घर जावे तो पहले लुगाई के भी पैर पड़े हैं शर्मा जी। कैसे आना हुआ? साहब ने मैडम के लिए नई गाड़ी भेजी है, और ये कहा है कि मैडम को इसी गाड़ी में बिठा कर लाना। क्या क्या? लो बात कर लो। कर लो बात। जयराम जी की, नेताजी। जयराम जी की। नेताजी, ये गाड़ी, ये सारे तोहफे, मेरी आदत को नहीं तोहफे लेन की। अरे मैडम, ये तो छोटी सी शुरुआत है। मैं नहीं ले सकती जी। आप हमें अपना ही समझो। आप यहाँ ये बैठ के बातचीत करते हैं, आप तो बस गाड़ी में विराजमान हो जाओ और पहुंच जाओ। अच्छा खासा बनियान पहन के लेटा हुआ था, तुमने तो सजा के बैठा दिया इधर। आधा घंटा हो गया, कब आएगी वो? दिनों के ना दीना ना। घड़ी कम। अरे आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। दीनानाथ जी नमस्कार। जयराम जी की। प्रणाम। पधारिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कुछ चाय ठंडा? धन्यवाद। आप मिले हैं ना? हाँ थे ना प्रोग्राम में आप। बहुत आनंद आया, बता नहीं सकता, अद्भुत शो था। क्या भीड़ थी, हम लोग पोस्टर लगा लगा के, नारे लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, तब भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। और भीड़ कैसी भीड़, व्याकुल हो रहे थे सब। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए। आप जैसी शख्सियत अगर विधानसभा में हो, मैं कहता हूं एक एमएलए भी एब्सेंट नहीं होगा, चाहे बारिश हो, चाहे बीमार हो, कुछ हो, विधानसभा का सेशन नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दीनानाथ। नमस्कार गुप्ता जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, आइए बैठिए। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं आप? आप तो मशहूर नर्तकी हैं। नर्तकी तो खैर नहीं, कलाकार हैं, लेकिन देखिए गुप्ता जी जैसे जो कि धार्मिक इंसान हैं, उन्हें भी पता है कि आप कौन हैं, इन्होंने भी नाम सुना है आपका। कैसे आना हुआ गुप्ता जी? ब्यावर में एक स्कूल है, उसका उद्घाटन आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। बस इन हाथों से? अरे छोड़िए गुप्ता जी, उधर देखिए, प्रभु ने क्या प्रेम से बनाया इनको, एक हफ्ता लगा दिया होगा बनाने में, और हमको आधे घंटे में बना के फेंक दिया। देखिए नाक ऊपर से छेद कर दिए। इनसे करवाइए।
पर दीनानाथ जी, पब्लिक बुलाने की जरूरत नहीं, नाम अनाउंस कीजिए, अनोखी देवी जी स्कूल का उद्घाटन करेंगी, माँ बच्चे दादा दादी सब हाजिर हो जाएंगे। इतना बड़ा काम में? ये बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, ये तो आपको जाना है, फीता काटना है, लक्ष्मी जी का लिफाफा लेना है, बस। अरे बनाराम तैयारी। अच्छा, दीनानाथ जी ठीक है जी, मैं चलता हूं। ठीक है, नमस्कार। बाकी वो लिफाफे का इंतजाम आप कर दीजिएगा। ठीक है जी।